मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा से प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की मासिक किश्त की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गृहिणियों को घर के कई छोटे छोटे कार्यों में सहयोगी बनी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन पर 15,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यय की जा रही है। वर्तमान में 1,000 रुपए हर प्रति माह लाडली बहनों को दी जा रही है। आवश्यक वित्त व्यवस्थाएं करते हुए राशि प्रतिमाह 3,000 करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लाडली बहनों के हित में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के फलस्वरूप 21 से 23 वर्ष आयु वर्ग की बहनों के नाम जोड़े जाने का कार्य चल रहा है। जिन पात्र में बहनों के नाम छूट गए हैं उनके नाम अनिवार्य रूप से जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर धारक परिवार भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। ऐसे परिवारों की लाडली बहनों के नाम भी प्रतिमाह राशि दिए जाने के लिए जोड़े जाएंगे। पूर्व सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा सहरिया और भरिया को प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपए की राशि देना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बहनों के प्रसव के लिए 16,000 रुपए की राशि और अन्य सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू कर गति प्रदान की गई है। सड़क पानी बिजली सिंचाई खाद्यान्न वितरण सेवा क्षेत्र शिक्षण सुविधाओं के विकास के साथ ही किसानों के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं।